क्वेश्चन नंबर टू, सपोज एस एन इज डिफाइंड एज फॉलोज फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और एस एन आपको डिफाइन है, दैट इज 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर तक आपको गिवन है. ओके, आपको पूछा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, जब एन की वैल्यू इंफिनिटी पे टेंड होती है तब एस एन, ये जो वैल्यू है एस एन, वो क्या होगा? जीरो होगा, हाफ होगा, वन होगा, या फिर इंफिनिटी होगा? ओके गाइस, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप कि ये जो गिवन है ना, ये वाला पार्ट, कौन वाली पार्ट, दिस एस एन, एस एन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर. तो क्या हम इसको एक जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं? दैट इज एस एन इक्वल टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का साइन ये होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस 1 बाय k स्क्वायर. और k जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, k इक्वल टू 2 से लेकर n तक. ठीक है, तो मैंने इसको जनरल फॉर्मेट में लिखा. ओके, तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं, 1 माइनस 1 बाय k स्क्वायर, तो गाइस जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, k² माइनस 1 डिवाइडेड बाय k² दैट इज a² माइनस b स्क्वायर. तो क्या मैं इसको a+b इंटू a माइनस b के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको k+1 इंटू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k² डिवाइडेड बाय k² ओके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ गाइस. ओके, एंड दैट इज द प्रोडक्ट जो है k स्टार्ट फ्रॉम 2 टू n. ओके, तो अब जो है आपकी एस एन की जो फॉर्मेट बनी, वो एस एन का फॉर्मेट गाइस अब क्या बना, दिस ना, कि एस एन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 2 टू n. गाइस दिस इज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज k-1 into k+1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर. ओके ओके, सो एस एन, गाइस जस्ट पुट k इक्वल टू 2. तो अब जस्ट k इक्वल टू जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू के 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. कब, जब आपने 2 पुट किया तो ये वैल्यू आएगा, उसी तरह से आप 3 पुट करो तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर. ठीक है, उसी तरह से 2 3 4, जस्ट पुट 4, सो 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर. ओके, डॉट 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 कहां तक, कहां तक, एन तक ना, सो दैट इज n-1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. ठीक है, यहां तक. ओके गाइस, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, वैल्यूज जो है कटते जाएंगे. ठीक है, मतलब कट होंगे वैल्यूज, क्या क्या कट होंगे वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे एक 2 जो है ये 2 से कटेगा, फिर एक 3 यहाँ से कटेगा. ठीक है, ओके, फिर एक 4 यहाँ से कट होगा. ठीक है, तो जब देखोगे तो सारी वैल्यूज कटते जाएंगे, बचेंगे क्या, बचेंगे आपका एस एन इक्वल टू हाफ हाफ और ए वाला टर्म. ठीक है, एन प्लस 1 बाय n. ठीक है, इतना आपको बचेगा वैल्यूज. ओके, तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एस एन की वैल्यू मिली क्या, हाफ एन प्लस 1 बाय n. बट अब आपका क्वेश्चन पूछा है कि n जो है इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तब इसकी वैल्यूज बताओ. ठीक है, तो अब जो है हम निकालेंगे क्या, कि एज एन टेंड टू इंफिनिटी देन इसकी वैल्यूज क्या होगी, देन इसकी वैल्यूज क्या होगी. ओके,
तो गाइस हम लोग लिमिट की बेसिक रूल्स तो लोगों को आए पता होना चाहिए, दैट इज एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं डिवाइडेड बाय एन एन से तो ये क्या बनेगा गाइस, वन प्लस वन बाय एन बनेगा ना। अगर यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वन बाय इन्फिनिटी मतलब ये जीरो हो गया, बचा क्या वन, बचा क्या वन, मतलब कि जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड होगी तो ये वाला टर्म क्या बनेगा वन, और ये इंटू में हाफ है तो एस एन इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू वन, दैट इज हाफ, दैट इज हाफ। सो इसके जो वैल्यू होंगे वो हाफ होंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका बी पार्ट, ठीक है बी पार्ट। बट इसका जब आप क्वेश्चन देखोगे ओरिजिनल पेपर, इसका आंसर ये हाफ जो है डी में दिया हुआ है, ठीक है डी में दिया हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर वन पे ही बोल दिया था कि आंसर जो यहाँ पे रीअरेंज है, ठीक है तो उतनी तो फर्क गाइस आई होप कि नहीं पढ़नी चाहिए आंसर से, बट आपको टू द पॉइंट आंसर आनी चाहिए कि हाँ वैल्यू क्या आ रही है, भले वो ए पे आए बी पे आए सी पे आए उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है तो इसकी आंसर होगी बी हाफ, ठीक है। तो गाइज मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, बस इसको जो है मैंने सिंप्लीफाई किया, जस्ट मैंने इसको के एज्यूम किया और देन मैंने इसको के प्लस वन इंटू के माइनस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, और मैंने जस्ट यहाँ पे इसको वैल्यू उसको पुट किया कि के इक्वल टू टू पे क्या होगा, थ्री पे क्या होगा, फोर पे क्या होगा। तो जैसे मैंने पुट किया और यहाँ मैंने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यूज जो है कैंसिल हो रही है, ठीक है कैंसिल हो रही है, और कैंसिल होते होते आपके पास बचेगा क्या दिस वैल्यूज, बचेंगे क्या आपके पास, बचेंगे क्या कि एस एन इक्वल टू हाफ ऑफ एन प्लस वन बाय एन बचेगा। और हम लोग तो बेसिक रूल आपको पता है, जब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का होगा वन प्लस वन बाय एन, बट एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वन बाय इन्फिनिटी क्या जीरो, तो बचा क्या हाफ इंटू वन, सो दैट इज द हाफ। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी हाफ होगी, कब, जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तब, ठीक है ओके। सो गाइस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री।